And welcome back to the Thin Star. सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। वाह बेटे मौज कर दी। ये है मीम हब की वीडियो, ट्रेंडिंग मीम्स, तो मज़ा आएगा। अच्छा इसमें साथ में अल्फा मीमर भी है मे बी, क्योंकि इंडियन मीम कंपाइलेशन एट द रेट अल्फा मीमर, तो मे बी इनका कोलैब जो भी है। तो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं वीडियो कैसे तड़कते भड़कते ताजे ताजे मीम्स लेके आ गए हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो और नोटिफिकेशन नहीं जा रही, जो कि नहीं जा रही है, हमें पता है लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो 7-8 PM फिक्स टाइम, बाकी आप एक बार आके चैनल चेकआउट कर लो या नोटिफिकेशन बेल देख लो कि दबी है कि नहीं दबी। लेट्स बिगिन। शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। ओरिजिनल लिंक सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है, कभी देखे मुठ लो है? पहले आती थी ये क्लीवेज दिखा के, फिर ये आने लगी भ्रम में, अब आ गई है टॉवल में। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। तुम लोग सपोर्ट बनाए रखना रे, जल्दी ही टॉवल खुलेगा, जल्दी ही दिखेगा तुम लोग को, जो देखने के लिए तुम लोग साले मुठ्ठल से गुप्त रोगी हो चुके हो। इसी तरह सपोर्ट इस बहन की लौड़ी पे बने रहना चाहिए, और ये तौलिया जल्द से जल्द सरकेगा, हमको पता है, हम तुम्हें बता रहे हैं। इनकी इनकी गांड की गर्मी अब तौलिया सरकार की निकलेगी। टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में भारतीय टीम को हराया हो। मीनवाइल खुश है बेटा, वी आर मैच्योर इनफ, ठीक है अच्छा खेले, अब हम उनको सीधा फाइनल में हराएंगे। वी ऑप्टिमिस्टिक। फाइनल में आना, फाइनल। बीच सड़क से लड़के उठाए सारे बड़े बड़े स्टार के, एनसीबी कांड 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 कांड, एनसीबी कांड 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 कांड, एनसीबी कांड फाड़े गांड फाड़े। अरे भाई कांड फाड़े गांड फाड़े, बोली ये एनसीबी को सुना दो, मजा आया, ठीक है मजा मजा आया। तो ये वीडियो कोलैबोरेशन वीडियो, भाई के चैनल के डिटेल्स आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे और भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो पक्का है कि आपको भाई का काम काफी अच्छा लगेगा। तो आप जाओ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, उसे प्यार दिखाओ जैसे मुझे दिखाते हो। आपके गोले हगेंगे भाई, देखना पड़ रहा है, मेरे पास कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दे, लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे भैया। और तीखा आई गेस। तो इंस्टाग्राम का एक ना चोद आया जिसका नाम है सनसेट फोटो, मतलब गांड मटकाने के लिए रील देने के बाद, निभा निभी के कुच्चू पुच्चू करने की रील देने के बाद, फोटोग्राफर को भी टेल ऑन शो ऑफ करने का मौका दे दिया, जो अपने बायो में लिखते हैं फोटोग्राफी इज माय पैशन। अब देखिए खुद को कैसे डब्बू रत्नानी और सन को सनी लियोनी से कम नहीं समझेंगे। वैसे तो इनको सूरज से दिन रात दिक्कत रहती है, लेकिन 21वीं सदी का मानव जात इतना मादर जात हो गया है कि क्या बताएं। अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम जब माँ जुदा, अब ये सीधे ट्रेंड फॉलो करेंगे। अबे वो सूरज है, चांद को रोशनी देता है, गर्मी में स्कूटी की सीट जला के गांड जलाता है, ब्लैक लवर इसके वजह से काला पहन नहीं पाते, और मुठ लवर गर्मी की वजह से बाथरूम में काला हिला नहीं पाते। जिसकी तस्वीर दिखा रहे वो सारी सृष्टि ने देखा सारे ब्रह्मांड में, और जो ट्रेंड फॉलो करने की चूल तुम्हारी गांड में है, बेटा बंद कर दो। अबे नहीं देख रहा तुम्हारी फोटो, कुछ नया नहीं दिखा रहे हो, अगर हमको देखना होगा प्राइवेट मीटिंग करके छत पे जाके देखेंगे, भले आपकी मैया चुट जाए। तो बंद करो सनसेट की फोटो डालना, मतलब तुम्हारी फोटो तुम्हारे गांड में डाल देंगे, हाथ को मोड़, डब्बू रत्नानी के चोदे बनेंगे भोसड़ी के भाग मादर चोद। भाई भाई भाई
इसके दोस्तों ने डाली है बहुत लग रहा है। आपकी अच्छी बात नहीं कहते, लॉकडाउन में हम सिर्फ सोए हैं। अच्छा, मैं और मेरी बीवी भी सिर्फ सोए हैं, फिर पता चला हम 2 से 3 और 3 से 4। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। उसे सोना नहीं कहते। प्यारी समझ गई। Hey Alexa, where's my dad? Your dad is in a strip club in Las Vegas. Ha! Gotcha, Alexa, my dad's in the kitchen. Your mum's husband is in the kitchen. Your dad is in a strip club in Las Vegas. खत्म। तू समझा? गया, टाटा बाय बाय। नहीं, तू समझा नहीं। टपा टप, टपा टप, टपा टप। Nice. मालूम ना? Hey y'all, come look at this. स्वागत है आप सबका इस सभा में। आज आप लोग बात सुनिए सभा के इस होस्ट की, क्योंकि आज दबा के मारने वाले हैं अपने कंजूस दोस्त की। देखो मेरे बाप बनना कोई नहीं चाहता, क्योंकि अभी हमारे पेलने खेलने की उम्र है। लेकिन अगर तुम्हारे पास भी कंजूस दोस्त है ना, तो ना चाहते हुए तुम्हें भी बाप का फर्ज निभाना पड़ता है। उसके चाय, सुट्टा, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, दारू से लेके बॉस टेम्पू का किराया भी हर बार ना चाहते हुए भी तुम्हें ही चुकाना पड़ता है, वो भी इस बेरोजगारी के दौर में। और अगर कहीं कुछ खाने पीने के बात हो और उनको पता चल जाए कि पैसे हम खर्च कर रहे हैं, तो खाने पर ऐसा टूट पड़ता है जैसे पड़ोसी देश के लोग बकरी पे। लगता है भोसड़ी वाले 2-3 टन खा जाएंगे, लेकिन जब खुद की बारी खिलाने की, तो इनके माथे का पसीना इनकी गांड में जाने लगता है। हमारी कोई भी चीज को उठा के ये लोग अपना समझ के यूज करने लग जाते हैं, और यूज भी भाई इस कदर करते हैं कि उस चीज की गांड मार के रख देते हैं। लेकिन जब हम इनसे इनकी कोई चीज मांग ले, तो भाई ये तो मेरा नहीं है भाई, ये तो इसका है भाई, ये तो उसका। अरे मादर चोद, इसका उसका क्या लगा रखा है? सीधा सीधा बोल रहा कि नहीं दे सकते, बात खत्म। अरे भाई साहब, इनके अंदर दिमाग बहुत ही ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ होता है। अगर इनके साथ दिमाग समोसा खाने चले गए, तो 2 समोसा भी ये लोग 20 मिनट में खाते हैं। कि अगर पहले खा लेंगे तो इनको पहले पैसा देना पड़ जाएगा, इसीलिए नाइस ऑब्जर्वेशन। पैसे दे दो दुकानदार को। चला इतना खर्चा दे कि हमारे पिताजी भी हम पे शक करने लग गए हैं। यार कल ही बोल रहे थे कि देखो बेटा, इतना खर्चा आदमी 2 ही सिचुएशन में करता है, या तो उसकी गर्लफ्रेंड हो या तो उसकी बीबी हो। अब पिताजी को कैसे समझाए यार कि ना ही पिताजी आज तक हमने गर्लफ्रेंड पे ली है, ना ही आज तक हमने बीबी पे ली है। बिना पहले ही लड़का जन्म ले लिया है, अब उसका कैसे भी भरण पोषण कर रहे हैं अपनी पॉकेट मनी से काट करके। तो पिताजी खर्चा तो होगा ही ना। तो देखो दोस्त, बहुत हुआ, अगर तुम हमारा 100 रुपए भी खाते हो, तो तुम्हें भी कम से कम 50 रुपए खिलाना पड़ता है। इस बात को तो मत भूलो। और अगर कहीं फिर से तुम हमारे द्वार पे आ गए कि भाई चलो ना खर्चा करो, तो अपना पैटवा नीचे करेंगे, फिर से दोबारा वही बात बोलेंगे कि लो ना लो हमारा इलाना लेके धू लो। ये खतरनाक दोस्त है। आउटर ऑफ द टेक है। अरे भाई मौत भाई। आउटर जहर है भाई। ओ नाइस आउट्रो डूड अल्फा मीमर्स। तुम्हें तुम्हारी क्रश का वास्ता। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक आउट करना। और अल्फा मीमर का काम भी मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया। बस वही है कि सॉन्ग्स गानों पे था सारे। हाँ, बट बाकी वैसे काम बहुत बढ़िया। चेकआउट करो एंड तड़कते भरते ताजे ताजे मीम्स बढ़िया थे। मजेदार वीडियो। एंड अगर आपको भी वैसा देखने में मजा आया हो, तो मेक श्योर यू हैव हिट द लाइक बटन एंड उसके साथ एंड यू कैन फॉलो वो भी एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। यस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन गाइस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड वन लास्ट थिंग गाइस, रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन। टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय।